इसने अभी बोला आई लव इंडियन पीपल। इंडियन पीपल का कितना क्रेज है नेपाल में। इतनी सुंदर लड़कियां बोल रहे भाई साहब, कर दो जल्दी से जाके सब्सक्राइब और लाइक। ये हमारे श्री राम जी की ससुराल है, यहाँ की सीता माता थी, तो हमारा तो पूरा पूरा हक बनता है घूमने का। और ससुराल में पूरे मजे लिए देख लो। तो गाइस आप देख रहे हैं हम थंबनेल में हैं, और यहाँ का नाइट लाइफ तो फेमस है बट डे लाइफ भी बहुत ही अच्छी है। काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर, शॉप है। ये देखो बुद्धा का एक कुछ बना हुआ है यहाँ पर, बाबा बाबा। आप यहाँ नेपाल से हो? ना, हम इंडिया से हैं। हाँ, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप रिक्शा चलाते हो? हेलो, हेलो, बहुत अच्छा लगा। yes. आपका रिक्शा बहुत वंडरफुल है। आ, मैं एक फोटो खिंचवा लूँ इसमें? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो भैया यहाँ पर हम थंबनेल में हैं, और अंकल जी हमारे रिक्शा चला रहे हैं यहाँ पर, मज़ा आ रहा है इनके साथ। और देखो हिंदी लैंग्वेज कितनी अच्छी बोल रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं हमारे, बिल्कुल लग ही नहीं रहा हम लोग के बाहर हैं। और यहाँ पर फॉरनर भी अंकल बहुत सारे, फॉरनर भी इतने हैं, मतलब नेपालियों से ज़्यादा तो नहीं, नेपालियों के जितने ही इतने फॉरेनर्स हैं। अंकल जी मैं हूँ इंडिया का। इंडिया कौन सा जगह? दिल्ली से। दिल्ली, बाकी ये है थंबनेल। थंबनेल का जो नेपाल में जो थंबनेल पड़ रहा है, और ये रिक्शा है यहाँ का। भाई साहब सबसे पुराना कल्चर जो है आज तक, जो नेपाल में भी, इंडिया में भी, हिंदुस्तान में भी है, वो अपना रिक्शा है। मोटर कार की सवारी तो अलग ही होती है, पर एक रिक्शे की सवारी सबसे अलग होती है। तो आपने देखा राम केसी अंकल जी हमें मिले, अभी हम लोग जा रहे हैं पशुपतिनाथ टेम्पल। तो दोस्तों ये नेपाल का जो कल्चर ड्रेस बोल सकते हैं इसे, ये है जो मैंने पहना हुआ है। अभी इसे मैं विक्रांत भाई को भी पहना के दिखवाऊंगा। बाकी ये सब कितने का है? नेपाली 1500। 1500 रुपए का कुछ हो गया, 700-750 रुपए कुछ अराउंड। बाकी इसमें हम लोग ऐसे हाथ भी रख सकते हैं, और बहुत कूल है ना, नीचे बाजू में पहनना नहीं है, हाथों में सिर्फ ऊपर से ऐसे ऐसे डालना है। गाइस हम लोग यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं हमारे साथ टैक्सी है नेपाल की, वो हम बुक कर रहे हैं। ये हमें सोच रहे हैं कूल 84 रुपीज आ रहे हैं सीधे सीधे, वो भी हमसे ले रहे हैं 124। चले ले लो ना, ये आप तो एक ही ले लें। कितना डाल रहे आप? कुछ कम करो, कुछ तो कम करो थोड़ा बहुत। बहुत बहुत तगड़ा स्कैम चलता है यहाँ पे टैक्सी का। गाइस पशुपतिनाथ मतलब काठमांडू एयरपोर्ट से, और ये थंबनेल ज़्यादा दूर भी नहीं है, हमें यहाँ पर लाने के लिए पता कितने पैसे ले लिए हमसे, 450 रुपये इंडियन रुपीस। बताओ इतना ज़्यादा स्कैम चल रहा है। पर हम लोग बस पहली बार लूट गए, अब नहीं लूटेंगे, हम कर रहे हैं अपना काम। अब जिद कर ली इनसे, देखो 50 रुपीस बार्गेनिंग चल रही है। 125 दोनों के? बहुत ऑफ नहीं, बहुत बहुत सिंगल 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 ऑनलाइन रेट है आपका? हाँ बोला ना वो, इन्होंने बोला ऑनलाइन रेट। ओके ऑफलाइन में नहीं मिलेगा। ओके ओके चलेंगे। हाँ चल भाई, हेलमेट जरूरत नहीं पड़ती। तो हम लोगों ने ले लिया टैक्सी, तो चले भैया। ये हमारे टैक्सी वाले भैया हैं, बोलो हेलो। हेलो, ये रैपिडो है क्या? दिल्ली में रैपिडो चलती है ना? हमारी दिल्ली में रैपिडो है, आपको यही बताना। जैसे हमारे दिल्ली में रैपिडो ओला वगैरह चलते हैं, यहाँ पर चलती है। हम जा रहे हैं पशुपतिनाथ टेम्पल। जाओ पशुपतिनाथ बाबा की जय। आप देख रहे हैं पशुपतिनाथ टेम्पल के लिए हम लोग निकल चुके हैं अपनी टैक्सी, बाइक टैक्सी में, और मैं आपको पूरा नेपाल का टूर कराने वाला हूँ ऐसे ही विदाउट कट। थंबनेल से ज़्यादा किलोमीटर नहीं है, 2-3 किलोमीटर है। बोलो पशुपति बाबा की जय हो।
मजा आ रहा है, दबा के इंजॉय हो रहा है नेपाल में। और नेपाल के लोग बहुत अच्छे हैं यार, सच्ची में बहुत प्यार करते हैं सभी लोगों से। अभी हम बाइक में, मज़ा आ रहा है नेपाल में। हमें तो पता होता नहीं इतना अच्छा है, पहले तो मैं बहुत पहले आ जाता है घूमने फिरने के लिए। और ये पूछना फिर मम्मी को भी लेके आऊँगा घुमाने के लिए ज़रूर। क्योंकि ये हमारे श्री राम जी की ससुराल है, यहाँ की सीता माता, तो हमारा तो पूरा पूरा हक बनता है घूमने का। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो भाई मेरे कहने से यहाँ तक और रुक जाना, तो पशुपतिनाथ बाबा की मंदिर को जरूर देख लेना यार, बहुत अच्छा है मंदिर यहाँ पे। मैंने कल जब एयरपोर्ट से मैं आ रहा था, तो मैंने पहली बार उस पहले फर्स्ट इम्प्रेशन देखा था, ओ भाई साहब लाजवाब, सच में मज़ा आ गया। कल से लगने से मैं भाई वहाँ जाएंगे जाएंगे, आज जाने को मिला है, अब जा रहे हैं। जाम की बहुत मारा मारी है, जाम बहुत है ना भाई यहाँ। हाँ जाम है काफी। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपको आज नेपाल के पशुपतिनाथ टेम्पल में, जो कि मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं। अभी मैं आपको लेके भी जाऊँगा वहाँ पर। ये भोलेनाथ का मंदिर है नेपाल के अंदर, काफी फेमस मंदिर है, काफी ज्यादा यहाँ पर क्राउड रहेगा हर वक्त। और सुबह और शाम में जो आरती वगैरह होती है वहाँ पर हजारों की भीड़ यहाँ पर। दोस्तों ये है मंदिर का मेन रास्ता इधर से होते हुए, और यहाँ पर एक मैं आपको कंडीशन बता दूँ, ये जो जूते लोगों ने बाहर काटे हुए ना, यहाँ जूते भूलकर भी ना काटे। वो जो डंडा लेके खड़ा है ना भाई साहब, वो डस्टबिन में लगाते हैं और सारे जूते को फेंक देते हैं, और फिर उनसे अलग से चार्जेस वगैरह लेते हैं। तुम जूते लेके क्यों खड़े हो? ले रहे हैं ये लोग जूते? हाँ ये लोग ले लेंगे, इसलिए मैं जो बैठा हूँ। फिर उसके बाद पैसे लेंगे? पैसे तो हाँ पैसे लेके देंगे ये लोग, नहीं तो नहीं देने वाले। हम लोगों ने देखा इंटरव्यू दे रहा इसीलिए मैं बोल रहा था, मैं यही बता रहा था ऑडियंस को कि जूते ये देखो, ये डस्टबिन आ गई इसमें वाला देखो। हाँ तो जूते यहाँ पर मत उतारना प्लीज कोई भी। हाँ तो ये हमारे यहाँ का पशुपतिनाथ मंदिर की मेन एंट्री है, ये देखिए। तो गाइस ये हमारी जो आप लोग पशुपतिनाथ पहली बार आए हैं इधर, तो हो वीडियो में तो आप इधर तो कैसा लगा? शांति टाइप का, पीस। हमारा फर्स्ट टाइम है नेपाल में, इंडिया से आए हैं। हाँ इंडिया, आप लोग यहीं रहे दिल्ली से? जापा से आए। हाँ जापा, जापा नेपाल में है। आप भी? अच्छा इंडिया गए हो कभी? हाँ इंडिया से है। हाँ इंडिया से। हाँ इंडिया में कहाँ से? शिलांग। अच्छा शिलांग भैया, तो उनसे पूछो करता है। आपको इंडिया के बारे में क्या राय है? आप कैसे लोग अच्छे, मतलब अच्छे हैं बुरे हैं? वो तो मुझे पता है, आपकी फ्रेंड इंडिया पे आ गया।
फ्रैंक होते हैं हम लोग इंडिया के हम लोग कितने फ्रैंक है वो तो है तो अभी अच्छा होता है लाइक मजा से सुनेंगे सुन तो राम्रो हुन्छ मन को राम्रो हुन्छ हिन्दी आती है थोड़ा थोड़ा तो बहुत है आई लव यू तो कैसे देखा बस अच्छा ही है जी को ये हमारी जो इंडियन वाली क्या बोल रही है बोलो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ यार रिचुअल ना कल्चर बेस ऑब्जेक्ट तो बहुत अच्छी है इसने अभी बोला आई लव इंडियन पीपल हां इंडियन पीपल का कितना क्रेज है नेपाल में मैं जी मरीना ही नहीं है शिलोंग से तो क्या नाम है आपको रिया गुरु रिया वाह मेरा नाम है लकी हम लोग आए हैं इंडिया से तो बहुत मजा तो पहली बार मुझे आके अच्छा इतना लग रहा है कि मैं नेपाल में कहाँ घूमता रहूँ बस कितने दिन से हो तुम यहाँ पे टू ईयर से इसके अलावा भी हम घूमेंगे अंदर लोग ये मेरी दो फ्रेंड मिली है यहाँ पर इनका नाम है शांति शांति हेलो योर गुड नेम रिया माय नेम लकी यू आर सो लकी कि मुझे मिली हो आज और मेरे चैनल को बोल दो सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब योर चैनल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब डू लाइक सब्सक्राइब भाई इतनी सुंदर लड़कियाँ बोल रहे भाई साहब कर दो जल्दी से जाके सब्सक्राइबर लाइक वो जो आप देख रहे हैं पीछे वो नंदी बाबा जो बने हुए वो जो आप पीछे देख रहे हैं वहाँ नंदी बाबा यहीं तक मतलब यहाँ से जो बड़े वाले बाबा देख रहे हैं नंदी बाबा बने हुए वो उनके बिल्कुल सामने जो आप देख सकते हो वो भोले बाबा का अंदर मंदिर है तो यहीं तक है सिर्फ कैमरा अलाउ है इसके आगे हमें खुद से ही मतलब दर्शन करने पड़ेंगे अब आप ले लो तो हमें खुद से दर्शन करने पड़ेंगे यहाँ से आगे तो यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है तो ठीक है भोले बाबा की जय हम लोग अब यहाँ से अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं चलो तो गाइस पशुपतिनाथ टेंपल के बारे में एक बड़ी रोचक बड़ी एक रोचक कहानी है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ अरे भैया ये मेरे भैया मिले हैं जो यहीं से हैं तो यहाँ की जो कहानी है उसके बारे में मेरे को थोड़ा थोड़ा पता है और थोड़ा थोड़ा जो नहीं पता वो भैया बता देंगे केदारनाथ के टाइम से मुझे पता केदारनाथ पे जब पांडवों का वनवास वगैरह जो चल रहा था ना जो स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो वो अपने जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों से भोले बाबा नाराज थे पांडव केदारनाथ पहुंचे बाबा को मनाने के लिए तो बाबा नंदी रूप में वहाँ पर बैल बन के जो नंदी हैं वो बन के वहाँ से छुपे हुए थे तो भीम ने उन्हें देख लिया था तो भीम ने जहाँ से उन्हें पीछे से पकड़ा तो जो उनका जो बैक साइड है वो अभी केदारनाथ टेंपल में माना जाता है और जो उनका फेस जो था ना भोले बाबा का वो पशुपतिनाथ मंदिर में यहाँ पर है इसी जगह इसी मंदिर के अंदर जिसे लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं मैं भी आया हूँ और हम सब यही देखने आते हैं तो ये यहाँ की हिस्ट्री है कुछ